स्वागत है आप सभी को मैथ्स का सेशन में। और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में प्रूव करेंगे। अभी तक हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को प्रूव किए हैं, जैसे किसी बिंदु की मध्य, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मध्य बिंदु सूत्र। ये सब जिस तरीके से जनरेट किए थे उसी तरीके से आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी जनरेट करेंगे। तो देखिए कि कैसे जनरेट होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल का निर्माण कीजिए। तो ट्रायंगल में क्या होता है, त्रिभुज में तीन भुजा होता है और तीन शीर्ष होता है। तो सपोज डेट ये शीर्ष है ए, बी और सी। चूँकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल को प्रूव कर रहे हैं, तो इसमें निर्देशांक होता है। तो मान लिया, यानी सपोज करते हैं कि ए का निर्देशांक x1, y1 होगा और बी का निर्देशांक x2, y2 होगा और सी का निर्देशांक x3, y3 होगा। क्वेश्चन भी आपको इसी बेस पे आएगा। जैसे दे दिया जाएगा कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसी को फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करने वाले हैं, जो क्वेश्चन इस पे आधारित है। देखिए, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × b × h, ऐसे होता है ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो जब हम लोग ट्रायंगल के क्षेत्रफल को प्रूव करेंगे, तो देखिए इसका क्या मेथड होता है। ए का क्या निर्देशांक है x1, y1, बी का निर्देशांक है x2, y2 और सी का निर्देशांक है x3, y3। तो 1/2 ये कांस्टेंट रहेगा, यानी ये स्थिरांक रहेगा, क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में आता ही। अब इसका मेथड है, ए का निर्देशांक कितना है x1, y1, ये लिख दीजिए। बी का निर्देशांक कितना है x2, y2। सी का निर्देशांक कितना है x3, y3 और फिर से एक निर्देशांक x1, y1 है, जो फिर से नीचे में यहाँ पे रिपीट करके लिख दीजिए x1, y1। अब देखिए किस मेथड से ये निकलता है। 1/2 तो स्थिरांक ही रहेगा। फिर देखिए क्रॉस मल्टीपल करना है, जैसे x1 को y2 से इंटू करना है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर जाना है, x2 को y1 से इंटू करना है, फिर ऊपर से नीचे की ओर आना है, x2 को y3 से इंटू करना है और फिर नीचे से ऊपर की ओर जाना है, x2 को y3 से इंटू करना है, फिर ऊपर से नीचे की ओर आना है, यानी x3 को y1 से इंटू करना है और फिर नीचे से ऊपर की ओर जाना है, यानी x1 को y3 से इंटू करना है। तो जब x1 को y2 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, x1/2। लेकिन x1/2 तो होगा, तो साइन अप कैसे दिया जाएगा। तो जब x1/2 होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। कहने का अर्थ है, आप एक बार नोट कीजिएगा कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर इंटू करेंगे तो उसमें साइन क्या होगा, उसमें साइन माइनस होगा, और जब आप नीचे से ऊपर की ओर इंटू करेंगे तो उसमें साइन प्लस होगा। तो हम लोग x1/2 को ऊपर से नीचे की ओर इंटू किए तो ये माइनस होगा। अब x2 को y1 से इंटू करेंगे तो x2/y1, तो इसमें प्लस होगा क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो प्लस होगा। फिर x2 को y3 से इंटू कीजिए, x2/y3, इसमें हम लोग ऊपर से नीचे की ओर कर रहे हैं तो माइनस होगा। x3 को y2 से x3/y2, इसमें नीचे से ऊपर की ओर कर रहे हैं तो प्लस होगा। फिर x3/y1, इसमें माइनस होगा। x1/3, ये हो गया। अब देखिए, अब टोटल इंटू तो हो गया, अब कैसे करना, 1/2 ये हम लोग लिखेंगे। देखिए x1 कहाँ है, तो x1/2 एक यहाँ है और x1/3, तो एक जगह ले आइए, यानी अकॉर्डिंग कर दीजिए, x1/2 − x1/3। अब x2 कहाँ है, तो ये माइनस है, x2 − यहाँ पे प्लस देंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये y3 है, तो y3 को हम लोग लिखेंगे, तो इसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस x2/3 − x2/1।
अब क्या बचा, अब एक्स थ्री वाला बचा, तो ये है, ये एक्स थ्री वाई टू है, तो यहाँ पे माइनस देंगे, एक्स थ्री बाई टू प्लस एक्स थ्री बाई वन, ये हो गया वन बाई टू। अब एक्स वन को आप कॉमन ले लीजिए, एक्स वन को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, बाई टू माइनस बाई थ्री बचेगा, अब प्लस है तो प्लस, एक्स टू है तो एक्स टू को कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, बाई थ्री माइनस बाई वन। अब देखिए, अब इसमें भी क्या कीजिए, इसमें भी प्लस कॉमन ले लीजिए एक्स थ्री को, तो कितना बचेगा, बाय वन। यहाँ पे एक्स, ये पहले आ रहा था एक्स थ्री बाय वन, ये प्लस का पहले प्लस वाला साइन को लिख देना है, तो देखिए यहाँ पे एक्स थ्री बाय वन प्लस में, तो पहले यहाँ पे एक्स थ्री बाय वन प्लस में लिख देंगे, और ये माइनस में है एक्स थ्री बाय टू, तो माइनस में ऐसे लिख देंगे। अब जब एक्स थ्री को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय वन माइनस बाय टू हो जाएगा। देखिए, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू वन बाई टू इंटू एक्स वन इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू बाई वन माइनस बाय टू, यही ट्रायंगल का फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर निर्देशांक ज्यामिति में कोई बात करे ऐसे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बाई टू इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेंगे कि वन बाई टू इंटू एक्स वन इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू बाई वन माइनस बाई टू। ये मेथड को बस आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ऐसे मेथड से बनता है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो बहुत बच्चे इसे याद करते हैं। एक और मैं नोट में आप लोगों को करा रही हूँ कि जैसे ये तीनों, जैसे एक त्रिभुज दे दिया जाएगा और तीनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछेगा कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो बता दूं कि त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो त्रिभुज के केंद्रक को जी ऑफ एक्स कॉमा बाई से डिनोट करते हैं। तो त्रिभुज का केंद्रक का क्षेत्रफल, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी नहीं, जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक को सबसे पहले जी ऑफ एक्स कॉमा बाई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री बाई थ्री। ये हो गया त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक और ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस पे हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको काम आए। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं क्या क्या है, 2.3 है, माइनस 1.0 है एंड 2.-4 है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल का निर्माण कीजिए। देखिए, ट्रायंगल का जैसे सपोज कर लेते कि ए बी सी, ट्रायंगल का तीन शीर्ष है जिसमें ए का निर्देशांक दिया हुआ 2.3 एंड बी का निर्देशांक दिया हुआ -1.0, सी का निर्देशांक दिया हुआ 2.-4। तो ट्रायंगल के जब, ट्रायंगल का जब हम लोग फॉर्मूला जनरेट कर रहे थे तो किस मेथड से करते थे, तो सबसे पहले 1/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, ए का निर्देशांक कितना है 2.3, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 × x1 / 2 × x1 × y2 − y3, इस तरीके से आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं मेथड से बता रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं ताकि लॉन्ग फॉर्म हो, क्योंकि एग्ज़ाम में लॉन्ग फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब तो 2 नंबर का देता है, 5 नंबर का देता है, तो 2 नंबर में आप शॉर्ट लिख सकते हैं, जैसे ये सब 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, 5 नंबर में 1 से 1.5 पेज तक जाता है,
तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, 2a का निर्देशांक कितना है, तो 2.3। b का निर्देशांक है -1.0। c का निर्देशांक है 2.-4। फिर से आप a का निर्देशांक को रिपीट कर दीजिए, यानी फिर से फर्स्ट वाला जो निर्देशांक दिया हो रहा है, फर्स्ट का बिंदु वो फिर से नीचे रिपीट कर दीजिए, कितना है 2.3। अब हम लोग जिस तरीके से ट्रायंगल का फॉर्मूला जनरेट कर रहे थे, जिस मेथड का यूज़ किए थे, बिल्कुल उसी मेथड का यूज़ करना। देखिए 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा, अब क्या बोले थे कि क्रॉस मल्टीपल करना है, पहले इसको ऐसे इंटू करना है, फिर इसको ऐसे इंटू करना है, यानी एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और जब ऊपर से नीचे की ओर करेंगे तो इसमें माइनस का साइन देंगे, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो इसमें प्लस का साइन देंगे। तो जब आप 2 से 0 में इंटू कीजिएगा तो कितना होगा, 0 होगा। फिर ऊपर से हम लोग नीचे की ओर चूंकि जा रहे हैं तो इसमें माइनस साइन होगा। अब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, 1 -1 × 3 करेंगे तो कितना होगा, माइनस। एक तो फॉर्मूला में माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पे -1 × 3 -3 होता है, तो ये ब्रैकेट में -3 कर दीजिए। फिर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, -1 × -4 करेंगे तो -1 × -4 करेंगे तो कितना होगा, पहले तो ये प्लस होगा, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर गया तो प्लस साइन होगा। फिर -1 × -4 करेंगे कितना होगा, +4 होगा, तो इस ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, +4 हो जाएगा। फिर नीचे से ऊपर की ओर करेंगे तो इसमें माइनस साइन होगा। 2 × 0 करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। फिर ऊपर से नीचे की ओर इंटू करेंगे तो 2 × 3 करेंगे तो, सॉरी हम लोग यहाँ पे 2 × 0 के, यानी 0 होगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, प्लस का साइन होगा। अब 2 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब ये जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर चूँकि इंटू किए थे तो माइनस होगा। 2 × -4 किए करेंगे तो कितना होगा, -8। 1/2, फिर देखिए 0 और -(-3), ये ब्रैकेट में है तो 0 + 3 होगा, प्लस 4 में से 0 जाएगा 4, प्लस 6, ये -(-) कितना होगा, 6 + 8। 1/2 इंटू ये 3 × 4 कितना होगा, 7 होगा। 7 और 6 13, 13 और 8 21 होगा। तो देखिए अब कैसे करना है, जब इतना हो जाए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2, ये जब आप एक डैश को ये हटाएंगे तो उसमें ब्रैकेट होता है। और नोट की बात है कि अगर यहाँ पे साइन माइनस का भी होता ना, तो ब्रैकेट में आकर ये प्लस का ही साइन हो जाता, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो 1/2 ब्रैकेट 21, तो हम लोग लिख सकते हो 1/2 × 21, यानी 21/2। और क्षेत्रफल जब भी होता है स्क्वायर में होता है, 21/2 यूनिट स्क्वायर। यही हो गया क्या आपका आंसर, इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं या फिर फॉर्मूला का यूज़ करके भी बना सकते हैं। और इसी के मेथड बिल्कुल इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा ये क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे देखेंगे, तब तक आप इसे नोट कीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। यहाँ पे संरेख की बात कर रहा है, और ये जो बिंदु दिया हुआ है उसमें के का मान निकालना है। तो जब बिंदु संरेख हो, यानी त्रिभुज जब संरेख हो, तो क्या होता है, जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होता है। कैसे होता, देखिए 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा, बिंदु कितना कितना दिया हुआ, 7, -2 दिया हुआ है, 5, 1 दिया हुआ है, और 3, k दिया हुआ। फर्स्ट वाले बिंदु को फिर से रिपीट कर दीजिए, 7, -2। तो मैं अभी क्या बताई कि जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1/2 को कांस्टेंट रहने दीजिए, अब 7 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। 5 को -2 से इंटू कीजिएगा, -10 हो जाएगा। अब ये नीचे से हम लोग ऊपर की ओर गए तो प्लस होगा। 5 को k से इंटू कीजिएगा तो 5k हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर गए तो माइनस होगा। अब 3 को 1 से इंटू कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, नीचे से हम लोग ऊपर की ओर गए तो प्लस हो जाएगा। अब 3 को -2 से इंटू करेंगे तो -6 हो जाएगा, और ऊपर से हम लोग नीचे की ओर गए तो माइनस हो जाएगा। अब 7 को k से इंटू कीजिएगा तो
तो 7k हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 2 इधर क्या है, इधर डिवाइड में है, तो जब बराबर के यानी इक्वल के ये साइड में जाएगा तो ये इनटू में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है 7 माइनस इनटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 10 प्लस 5k माइनस 3, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है माइनस 6, और माइनस 7k इक्वल टू 0 इंटू 2। अब हम लोग देखते हैं k को एक साइड कर दीजिए, 7 प्लस 10 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 5k और माइनस 7k 0 इक्वल के ये साइड 0 इंटू 2 करेंगे कितना होगा, 0 होगा। फिर आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 10 7 कितना होता है, 17 होता है, माइनस 3 एंड माइनस 6 कितना होगा, माइनस 9 होगा, और माइनस 5k और माइनस 7k कितना होगा, माइनस 2k होगा इक्वल टू 0। 7 में से 9 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, माइनस 2k इक्वल टू 0। अब आप इसे नहीं भी दे सकते हैं, ये वाला ट्रॉफिस देखिए, अब इधर माइनस 2k इधर माइनस 2k है, तो जब इक्वल के ये साइड जाएगा, इक्वल के ये साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2k प्लस में हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू 0 प्लस 2k कर देते हैं, तो 8 इक्वल टू 0 में से 2k को ऐड करेंगे 2k होगा, इसीलिए k इक्वल टू कितना होता है 8/2 यानी 4 यूनिट। k का मान हम लोग को पता चल गया कितना होगा, 4 यूनिट। तो यही था कि इस बिंदु संरेख रहेगा तो इस तरीके से बनेगा, और k का मान भी बिल्कुल इसी तरीके से निकल कर आ जाएगा। यही टाइप का क्वेश्चन ये भी है, तो ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या देखें, आज हम लोग ट्रायंगल फार्मूला को प्रूव किए, इस पे एक्सरसाइज 7.3 पे एक्सरसाइज 7.3 का 2 क्वेश्चन भी देखें, और बिल्कुल इसी तरीके से आप जितने भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है टोटल बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छे लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ अदर के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।